Hey, morning. So time right now is like 6:30 AM. Now we have to again leave for the showroom. Last 5 din se main bas showroom hi. Aaj subah uth raha hu, kha raha hu, pi raha hu, uth raha hu, showroom nikal raha hu. So video edit has been done for the 9 AM. Schedule bhi maar diya hu. And again 4K nahi ho paya. 1080p mein upload chalu hai. Let's drive to the showroom. तो अभी कल तो अपना डिलीवरी खत्म हुआ समवेयर अराउंड 9:30 PM. बाय द टाइम आई रीच होम इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 10:30 PM. जाके जस्ट खाली डिनर खा के आई हैड टू स्लीप, क्योंकि मतलब होल डे मेरा पूरा ये शोरूम भी चला गया था कल. काइंड ऑफ टायर्ड सुबह, बाकी उठ के आई हैव ऑलरेडी एडिटेड द वीडियो, शेड्यूल्ड, अपलोडेड इट. अभी टाइम राइट नाउ इज 7 AM. अभी यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा कुछ टाइम है कि ट्रक कोई एक टाइम लिमिट, उससे पहले अपने को निकलना है. सो नाउ वी हैव टू गेट द कार लोडेड टू द ट्रक एंड द ट्रक हैज टू लीव इमीडिएट. सो इट्स रेडी. अभी इसको पैक करके टोटल निकालेंगे. सो कल यहाँ हुआ था डिलीवरी, अभी यहाँ से निकाल के ट्रक हैज ऑलरेडी रीच, ट्रक पे सीधा लोड करने का. अभी अपना जो प्लान था पहले वो तो था कि टेक द डिलीवरी एंड ड्राइव द कार ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भुवनेश्वर थ्रू द जो सोलापुर हैदराबाद वाइजैग वाला राउट लेके. बाकी यहाँ इतना बारिश हो रहा है, मतलब यहाँ तो 24 आवर्स बारिश ही हो रहा है एंड रोड पूरा मतलब खचाखच भरा जैसा मतलब बोल सकते हो. एंड अगेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज यहाँ इंटरनेट इतना ख़राब रहता है, मतलब आई हैव ट्राइड लाइक 2 होटल्स. बाकी यहाँ शोरूम पे भी आई हैव ट्राइड विथ मल्टीपल प्लेसेस, यहाँ जियो एयरटेल कुछ भी प्रॉपर काम नहीं करता. काइंड ऑफ माई वर्क इज ऑलरेडी स्टक. सो इट्स बेटर टू जस्ट गो एंड शिप द कार, क्योंकि शिपिंग एक्चुअली कॉस्ट से लॉट. बाकी मे बी आई कैन जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ माई कंप्यूटर फॉर 1 or 2 hours एंड मेक इट अप. तो शिपिंग टोटल वॉट आई पेड इज 1.15 lakhs प्लस GST, दैट इज फ्रॉम मुंबई टू भुवनेश्वर. सो दैट इज वॉट द नॉर्मल द शिपिंग कॉस्ट इज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कवर्ड वाला कार, मतलब टोटल कवर होकर जाएगा, कार दिखेगा नहीं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओपन वाला ट्रेलर देन आपको थोड़ा कम में भी हो जाता है. मेरे पास ऑप्शन था ओपन या फिर क्लोज वाला, नहीं ओपन में तो नहीं भेजने का, टोटल क्लोज वाले में ही भेजेंगे. एंड लास्ट 4 या 5 दिन से मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, शोरूम आता हूँ, फिर रात में फिर शोरूम से जाऊँ. आई फील लाइक एन आई मर्सिडीज एम्प्लॉय, मतलब मर्सिडीज के ऑफिशियल जो उनके मतलब ऑफिशियल स्टाफ है उनका जितना वर्किंग आवर्स नहीं होगा उससे ज़्यादा वर्किंग आवर्स मेरा यहाँ शोरूम पे ही कट रहा है. बाकी एनीवेज फाइनल द जॉब इज डन एंड टू एंड, जो भी था एवरीथिंग इज डन एक्सेप्ट वी हैड जस्ट 1 सिंगल एरर, दैट वाज द अपना ये जो AMG वाला ग्रिल इंस्टॉल नहीं हो पाया. बाकी वही होता है कभी कभी थोड़ा एरर होता है, उसके बाद उसको भी अपन आगे जाके फिक्स कर लेंगे. बाकी अपना जितना भी सब कार्बन फाइबर पार्ट्स है वो सब भी एक बार आ जाएगा, तो AMG वाला ग्रिल का वो जो पार्ट भी आ जाएगा. वंस एवरीथिंग रीचेस उसका एक पूरा आराम से बैठे भुवनेश्वर सारा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट करेंगे. अपना अभी ट्रक इज़ रेडी, अभी इसके अंदर अभी घुसाएंगे इसको, उसमें स्ट्रैप सब कुछ बांधेंगे. देन वंस इट रीचेस ओनली वो अपने को भुवनेश्वर जाने के बाद स्ट्रैप्स खोलना है. स्ट्रैप्स खोलने के बाद बैक कर करके लेके बेस्ट थिंग इज़ अपना जी क्लास में दे हैव ए 360 डिग्री कैमरा. लास्ट टाइम जब Z4 आया था तब ये जो अपना होल है यहाँ, ये होल से अपन नीचे नहीं मतलब लिखने के लिए लेने के लिए खतरनाक प्रॉब्लम, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू सी द बॉटम ऑफ द कार. बाकी जी क्लास में तो सब कुछ क्लियरली दिखा, अभी जाके देखते हैं कैसे निकलता है. अभी शोरूम से इसको निकालेंगे, देन विल लोड इट अप. गाड़ी अभी शोरूम से कल रात में डिलीवरी खत्म होने के बाद पूरा चकाचक सैनिटाइज कम्प्लीटली रेडी, तेल विल भी डल गया है. सो गाड़ी इज टोटली रेडी. मेरा तो सेटिंग्स आई हैड ऑलरेडी डन इट, सो टोटल अभी रेडी है. मतलब बाय द टाइम इट रीचेस भुवनेश्वर इट शुड बी कम्प्लीटली रेडी टू गो. आप मेरे को देख सकते हो कितना हाइट में है. तो बेसिकली आई एम लाइक 5.8 एंड द कार इज मोर टॉलर देन. सो अभी आप देख सकते हो ये सारा गाड़ी इतना बड़ा है, पूरा एज टू एज पूरा चिपक के जा रहा है. अभी जिस दिन अपन उतारेंगे आई हैव नो आइडिया हाउ डू आई गेट इनटू द कार. अभी इसका डोर को खोलने का कैसा, डोर तो इसका खुलेगा भी नहीं. अभी देखते हैं अभी वो कैसे उतरते हैं, देखते हैं उसके बाद जाके वो साइड वाला डोर खोलना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी नीड टू गेट द
car down as well once we are done. So documents, keys, everything is inside. बाकी ये इतना पास में है, इसको निकालने में खतरनाक फटेगी. बाकी एनी वेज विल सी अबाउट इट. सो पेपर्स एवरीथिंग रेडी, कार इज रेडी. एंड कार का जितना साइज बड़ा, इसके लिए एक्चुअली और थोड़ा बड़ा ट्रक चाहिए था मे भी. अब इसको टोटल इसको स्ट्रैप किया जाएगा चारों ओर से. ऑल द फोर व्हील्स स्ट्रैप करेंगे पूरा गाड़ी को टाइट, उसके बाद देन टोटल पैक. चलो फाइनल द जॉब इज डन फॉर द शिपिंग वाला पार्ट. यही अपना ओनली लास्ट वाला स्टेप था. सो इट्स लोडेड. अभी ये सीधा भुवनेश्वर पहुंचेगा. आई गेस द शिपिंग टाइम इज गोइंग टू बी क्लोज टू 3 days, क्योंकि टोटल यहाँ बॉम्बे से भुवनेश्वर इज 1700-1800 किलोमीटर्स. तो अभी मेरा तो बेस्ट है कि आई एम एबल टू ट्रैक द कार. अभी पहले आई वॉज थिंकिंग टू पुट द एप्पल का जो एयर टैग्स एक गाड़ी के अंदर छोड़ देते, और उसके बाद मालूम पड़ा कि मर्सिडीज ऑलरेडी गिव मी वन इंटेलिजेंट एप्लीकेशन. मर्सिडीज मी आपको दिखाऊंगा मैं. सो दिस इज आई एम गोइंग टू ट्रैक द कार. सो अभी मेरे को पूरा एग्जैक्टली वो मतलब लाइव लोकेशन दिखाता जाएगा कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ पहुँचे. आई शुड बी एबल टू ट्रैक इट कम्प्लीटली. तो उनको इतना बार फोन करके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कब पहुँचेंगे, बिकॉज अपन पूरा मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं अभी कार को. तो ट्रक में कार इज लोडेड. बाकी आई विल ऑलवेज सजेस्ट, इफ यू आर गेटिंग ए जी क्लास, ऑलवेज मेक श्योर टू ड्राइव इट टू योर डेस्टिनेशन. भाई इतना अच्छा कार को आप अगर पैकिंग करके लेके जाते हो, इट एक्चुअली फील्स बैड. मेरे को बेकार लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू माई ऑफिस वर्क, एंड ऑफिस का टेंशन लेके अपन इसको ड्राइव करके नहीं ले जा सकते. सो बेटर हो गया शिप कर देंगे, एक बार जाकर भुवनेश्वर पहुँचेगा. बाय द टाइम इट रीचेज भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर पहुँच के मेरा जितना भी काम पेंडिंग है सारा खत्म हो गया होगा. एंड आई शुड बी विथ ए गुड मतलब पीस ऑफ माइंड रहेगा भाई ड्राइव करने का. तो पहले ऑफिस का काम खत्म करें, उसके बाद ओनली वी कैन टेक द डिलीवरी एट भुवनेश्वर. सो अभी एवरीथिंग इज पैक्ड, अभी ओनली इसको स्ट्रैप करेंगे. वंस द स्ट्रैपिंग इज डन टोटल क्लोज, ई वे बिल, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे एक्चुअली जरूरत है. वेन एवर यू आर शिपिंग ए कार टू ए डेस्टिनेशन विद इन उड़ीसा, विद इन मतलब इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट पर शिप करते हो, इनवॉइस, इंश्योरेंस, फिर एक चाबी, उसके बाद उसको छोड़ के ई वे बिल, इतना जो भी सब डॉक्यूमेंट्स रहता है, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू मेक श्योर इट्स इनसाइड द कार ऑलवेज टिल द कार रीचेज द डेस्टिनेशन. भुवनेश्वर ये पहुँचेगा कैसे, उठ के इसको खोल के फिर अंदर घुसने का. मेरे को लगता है एक सीढ़ी लेके उस दिन जाऊँगा, सीढ़ी लेके यहाँ पकड़ के वहाँ से अंदर घुसेंगे, उसके बाद विल पुट द ये. बाकी ये इतना पास में मतलब डिस्टेंस है ही नहीं. जिस दिन अपन इसको ये पैकिंग करेंगे मतलब अनलोड करेंगे, मेरा शायद पूरा मतलब सेंसर से बजते रहेगा होल रोड पर. सो स्ट्रैपिंग इज डन, दिस इज हाउ द स्ट्रैपिंग इज डन. ये वाला स्ट्रैप हो गया, उस तरफ वाला भी स्ट्रैप हो गया. अभी वो दो व्हील को स्ट्रैप करेंगे, देन सो बेसिकली द कार इज गेटिंग होल्ड विद जस्ट 4 straps, एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट इट. ये स्ट्रैप को पूरा ऐसा लगा कि एक बार टाइट मारते हैं तो पूरा इसको पकड़ के रखता है. गए हो पहले आप उड़ीसा, गए हो तो हम वहाँ रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो ये रहेंगे, कोई ना कोई रहेगा. तो अब कौन सा रोड लेके जाओगे, देखते हैं अभी सेट से पूछता हूं कौन सा रोड पे जाएंगे. कितना टाइम लगेगा आपको, कितना किलोमीटर है? 1600-1500. कितना? 4 दिन मान के चलिए. 4 दिन मान के चलिए, ओके ठीक है. आपका फ़ोन नंबर हम सेव किए हैं, आपका वो नंबर है, व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप है आपके पास ना, तो हम इनका नंबर दे देंगे, ठीक है, उसमें डाल देंगे. आप अकेले जाओगे? अकेले जाते हो? पूरा राउंड चला के अकेले जाते हो? इसका क्या है ना कि मैं 3 दिन भी बोल देता आपको, लेकिन गाड़ी का जो कवर है ना ऊपर, हाँ हाँ, थोड़ा कम है. ओके, वो जर्क नहीं होना चाहिए, तो आराम से जाने का. ओके, साइड में थोड़ा सा घुसने का जोक नहीं होगा, तो वो बेल्ट वो चेन पेन वो लग जाएगा. मतलब चलूंगा ना गाड़ी लेके, तो हम लोग चलते समय में वो क्या नाम, लोअर ही पहन के चलते हैं, बेल्ट. ओ, हाफ पैंट, पूरा हाफ पैंट आ जाता है. तो एक बार अभी दोनों साइड से चेक कर लेते हैं कि गाड़ी में कुछ स्क्रैच कुछ है तो नहीं, बिकॉज मतलब अभी गाड़ी इतना दूर जाएगा, मतलब वी हैव टू मेक श्योर वी आर सेफ. तो दोनों साइड से एक बार चेक करवा लेते हैं, इधर से भी देख लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं.
ये सभी जिस दिन निकालेंगे इसको खोल के यहाँ से खड़ा हो के फिर अंदर घुसना है। सो टू हाई। चलो अभी कुछ थोड़ा पैकिंग वैकिंग होता तो मज़ा आ जाता, पूरा पैकिंग करके उसको डाल देते, बाकी उतना बड़ा पॉलीथिन भी है नहीं, जो वाइट वाला कवर दे ऑलरेडी थ्रोन है। आई हैड द कवर, मैं अगर ले आता तो भी अच्छा होता। ठीक है चलेगा। तो ऐसे ही नॉर्मली जाता है ना आपका, सेफली ऐसे जाता है? कल भी तो आपका गया है, 1G63 has gone to Punjab ना, तो इतना ही साइज वाला ट्रक में गया, सेम साइज ट्रक। तो एज लॉन्ग एज यू नो इट्स फाइन देन इट्स ओके। सेम ओके। It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. चलो अभी कार तो इज लोडेड, अभी ओनली उनके साथ मेरा नंबर्स को शेयर करना है, ऑफिस का नंबर्स मैं सारा उनको दे देता हूँ। सो वी हैव ऑल्सो हिज डिटेल्स, लोकेशन भी हमने सेंड कर दिया है उन्हें पूरा डिटेल में। अभी देखना है कि बाय द टाइम दे रीच भुवनेश्वर में उनका लोकेशन कहाँ रहेगा, उसी के हिसाब से अपने को वहाँ बोलना पड़ेगा कि कहाँ जाके वो देंगे। मैंने आपको दे दिया है, व्हाट्सएप में दे दिया, आप देख लो नंबर गया है, सारा नंबर लोकेशन सारा दे दिया है, एक बार देख लो गया है कि नहीं। Thank you, Landmark Mercedes. Thank you for a great experience. पहले हो गया अपना कल्याण, जो ओला लेके आए थे अपन, वो ओला का बैटरी डेड, अभी बीच रास्ते से और एक ओला भी बुकिंग करना पड़ेगा। बैड स्टार्ट टू दैट डे, बाकी एनीवेज अपना गाड़ी तो निकल गया है शिपिंग। अभी ओला पे ओला, जी वैगन से सीधा वैगनर आ गए थे, एक वैगनर डाउन, अभी सेकंड वाला वैगनर फिर से बुक करना पड़ेगा। चलो आज बॉम्बे का ऑटो का सवारी भी करते हैं, अभी ऑटो में जाना पड़ेगा क्योंकि ओला अपना ब्रेक डाउन हो गया, देख सकते हो रोड के उस तरफ रह गया, अभी इसमें चलेंगे अपन। क्या हो गया? ओके ओके। आज दिन मतलब अपने फेवर में है ही नहीं, कार भी खराब हो गया, अभी ऑटो वाला भी मना कर दिया, मना करेगा नहीं हम आपको लेके इतना दूर नहीं लेके जा सकते। यहाँ अभी दिखा रहा है 8 किलोमीटर्स, बाकी 8 किलोमीटर्स लगेगा अपने क्लोज टू 20 या 25 मिनट, सो इट्स काइंड ऑफ टू फार, मे बी वी विल जस्ट हैव टू गो अहेड एंड बुक ए ओला ओनली। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अपना गाड़ी तो लोड होकर चले गया, अभी अपने को कैसे भी करके अरेंज करके घर निकलना पड़ेगा। आई एम ऑलरेडी टायर्ड, ऑलरेडी हंग्री एज वेल, कल रात से फिर मैंने कुछ खाया नहीं है, एंड आई विल सी यू गाइस टू मीट द न्यू ब्लॉग। एंड अभी सीधा अपन कार को भुवनेश्वर में देखते हैं। सो फाइनल द कार हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम द मुंबई शोरूम, सो अभी ये भुवनेश्वर पहुंचेगा, शायद 3-4 दिन लगेगा क्योंकि कार बहुत ही ज़्यादा हेवी है, तो आराम से चला के जाएंगे। मैं भी तो बोल दिया हूँ भाई नो रश, आराम से आप आओ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से स्लो चला के आओ, वी विल बी रेडी फॉर द डिलीवरी। सो अभी सीधा आप कार देखोगे भुवनेश्वर जाके, दैट्स ऑल अबाउट इट। सो आई एम डन विद द होल कार प्रोसेस एंड टू एंड, अभी सीधा भुवनेश्वर में मिलेंगे। नाउ आई कैन जस्ट गेट बैक टू माई मुंबई स्टफ एंड आई विल सी यू गाइस टू मीट द न्यू व्लॉग। अभी इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग, मुंबई रेन्स, बाय बाय।